एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज क्वेश्चन सीरीज नंबर 8। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्किन कंडीशन शोन इन इमेज इज नॉन एज, ऑप्शन ए इकाइमोसिस, ऑप्शन बी सोरियसिस, ऑप्शन सी ब्लिस्टर्स, ऑप्शन डी वाइट्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी यह फिंगर्स को अफेक्ट करती है, मेनली जो होता है इसके अंदर मिडल जॉइंट होता है फिंगर का, यह अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हियरिंग एड डिवाइस शोन इन द इमेज। हियरिंग एड दिया गया है, बताना है कि यह कौन सा वाला है। ऑप्शन ए बॉडी बॉर्न हियरिंग एड, ऑप्शन बी बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड, ऑप्शन सी आई ग्लास इंटीग्रेटेड हियरिंग एड, ऑप्शन डी इन द ईयर हियरिंग एड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो, ऑप्शन ए एन्यूरिज्म नीडल, ऑप्शन बी बायोप्सी नीडल, ऑप्शन सी वेरस नीडल, ऑप्शन डी कॉबलर नीडल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एन्यूरिज्म नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन द इमेज इज, ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन शोन इन इमेज इज, ऑप्शन ए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी सिस्टोस्कोपी, ऑप्शन सी रेक्टोस्कोपी, ऑप्शन डी प्रोक्टोस्कोप। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन इमेज, ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेंटिलेशन शोन इन इमेज, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, ऑप्शन बी माउथ टू एयरवे वेंटिलेशन, ऑप्शन सी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑप्शन डी चेस्ट कंप्रेशन। करेक्ट आंसर है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अम्बू बैग दिखाया गया है जो कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है, डिफॉर्मिटी शोन इन इमेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रीवियसली हमने देखा है कि यह जो डिफॉर्मिटी है वह स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। अब बताना यह है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसके अंदर होती है। ऑप्शन ए रिमेटोइड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी सॉरियटिक अर्थराइटिस, ऑप्शन सी स्पॉन्डिलाइटिस, ऑप्शन डी ऑस्टियो अर्थराइटिस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए रिमेटोइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट शोन इन इमेज इज यूज इन पब्लिक हेल्थ फॉर, ऑप्शन ए हेड सरकमफेरेंस, ऑप्शन बी मिड आर्म सरकमफेरेंस, ऑप्शन सी स्किन फोल्ड थिकनेस, ऑप्शन डी कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। आपको इमेज दिखाया गया स्किन फोल्ड कैलिपर का जो कि स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी स्किन फोल्ड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स एब्डोमेन टू डायग्नोस पॉसिबल, इमेज दिया गया है इसमें फिजिशियन जो है वो एग्जामिन कर रहा है एब्डोमेन का, तो इस कौन सा साइन प्रेजेंट हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। ऑप्शन ए कुलेन साइन, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन डी डायवर्टिकुलाइटिस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर मेथड शोन इन फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए एयरवे, ऑप्शन बी ब्रीदिंग, ऑप्शन सी सर्कुलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि चेस्ट कंप्रेशन दिखाया गया जो कि सर्कुलेशन के लिए होता है, ऑप्शन सी सर्कुलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एपरेटस शोन इन द इमेज इज, ऑप्शन ए रिससिटेटर, ऑप्शन बी इरेडियंस मीटर, ऑप्शन सी नेबुलाइजर मशीन, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी नेबुलाइजर मशीन। नेक्स्ट इमेज है हमारा सिरिंज पम्प। सिरिंज पम्प जो होता है जहाँ पर हमें कैलकुलेटेड डोज ऑफ एक्जैक्ट मेडिसिन का देना होता है या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फ्लूड देना है, तो वहाँ पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस कनेक्टेड टू मीटरडोज इनहेलर इन द पिक्चर इज नॉन एस, ऑप्शन ए कनेक्टर, ऑप्शन बी फैसिलिटेटर, ऑप्शन सी स्पेसर, ऑप्शन डी फिल्टर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी स्पेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थेटिक मशीन गिवन इन द पिक्चर,
एनेस्थेटिक मशीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दिया है, वो क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी एंटोनॉक्स, ऑप्शन डी वाटर। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इमेज में आपको सोडा लाइम दिया गया है, सोडा लाइम का जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इमेज है हमारा प्रेशर बैग, जहाँ पर रैपिडली फ्लूड ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर प्रेशर बैग यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट इमेज है द सिलेंडर गिवन इन द पिक्चर इज़ यूज फॉर, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबो। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। इमेज में आपको ब्लू कलर का सिलेंडर दिखाया गया है, ब्लू कलर का जो सिलेंडर होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट हॉट वाटर बैग पेन रिलीफ और रिलैक्सेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल दैट कैन बी कैप्ट इन द इक्विपमेंट शोन इन फोटोग्राफ, वैक्सीन कैरियर का इमेज दिया है, इसके अंदर आप कितनी वैक्सीन की फाइल रख सकते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2, ऑप्शन बी 2 से 4, ऑप्शन सी 6 to 8, ऑप्शन डी 16 to 20। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 16 to 20। नेक्स्ट इमेज है हमारा एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम मशीन, इस मशीन की हेल्प से अपन क्लॉटिंग एबिलिटी पेशेंट्स के ब्लड की कितनी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए कॉपर टी 7, ऑप्शन बी कॉपर टी 220 बी, ऑप्शन सी कॉपर टी 380 ए, ऑप्शन डी प्रोजेस्टा स्टार्ट। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी कॉपर टी 380 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए एरोप्लेन स्प्लिंट, ऑप्शन बी थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन सी नकल बेंडर स्प्लिंट, ऑप्शन डी कॉकअप स्प्लिंट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी नकल बेंडर स्प्लिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द क्लिनिकल साइन शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए एक्सटर्नल बेलोटमेंट, ऑप्शन बी इंटरनल बेलोटमेंट, ऑप्शन सी पामर साइन, ऑप्शन डी ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रेक्शन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर एक्सटर्नल बेलोटमेंट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लाई शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल लाई, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स लाई, ऑप्शन सी ऑब्लिक्यू लाई, ऑप्शन डी अनस्टेबल लाई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रांसवर्स लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए पायोपेगस, ऑप्शन बी थोरिकोपेगस, ऑप्शन सी क्रेनियोपेगस, ऑप्शन डी इस्टियोपेगस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी थोरिकोपेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स, ऑप्शन ए मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी स्टेप रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी ग्रास्प रिफ्लेक्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम शोन इन द इमेज, ऑप्शन ए क्वाशियरकॉर, ऑप्शन बी मेरास्मस, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी गोइटर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए क्वाशियरकॉर। नेक्स्ट इमेज है इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन ए कॉर्नियल डायमीटर, ऑप्शन बी विजुअल एक्यूटी, ऑप्शन सी विजुअल फील्ड, ऑप्शन डी इंट्राओक्युलर प्रेशर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इंट्राओक्युलर प्रेशर। नेक्स्ट इमेज है लोर्डोसिस, लोर्डोसिस के अंदर लंबर स्पाइन का जो कर्व होता है वो इनवॉल्व होता है। नेक्स्ट इमेज है काइफोसिस, काइफोसिस के अंदर थोरेसिक स्पाइन का कर्व जो होता है वो आउटवर्ड देखने को मिलता है।